डिजियाना परिवार की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज डॉक्टर रविंद्र शुक्ला ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से की चर्चा। पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देते समय पूर्व कृषि मंत्री थोड़ा उग्र जरूर हुए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने उन्हें नकार दिया है और अब जाकर जनता को समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां देश हित के लिए जरूरी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत के टुकड़े करने के अलावा कुछ नहीं किया। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि भारतीय साहित्य परिषद में उन सभी साहित्यकारों को स्थान दिया है जिन्होंने इस भारत के लिए और भारत का वर्णन करने के लिए साहित्य लिखा। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पूरा इतिहास इनके साहित्यकारों ने बदल कर रख दिया। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से न करते हुए उस समय के वायसराय को प्रसन्न करने के लिए जनगण मन गाकर की जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि ये तो विदेशों की बात है, हिंदुस्तान में प्रत्येक दिन महिला दिवस होता है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही दर्जा प्राप्त है। और वंदे मातरम वापस मिल जाते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में वंदे मातरम होता है तो आपको बहुत आश्चर्य और बहुत हर्ष हुआ और आपने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया। और गुना के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ के स्कूल में, जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में इसको लेकर के विवाद हो सकता है, मध्य प्रदेश में राष्ट्र में विवाद हो सकता है, लेकिन गुना के आपके मिशनरी स्कूल में वंदे मातरम शान से गाया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से वंदे मातरम होता है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसे माननीय मंत्री जी को बहुत हर्ष हुआ और बहुत प्रभावित हुए। एक तो ये कि स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद साहित्य में आपको अंतर दिखाई देगा। स्वतंत्रता के पहले जहां राष्ट्रवाद हावी था, वहां स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। और अभी कुछ दिन पहले जो घटना हुई आपने सुना होगा, जेएनयू में एक हमारा विद्यार्थी खड़ा होकर के भारत तेरे टुकड़े हो गए, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगाता है। और बेशर्मी की हद यहां तक कि उसकी भी सहयोग के लिए देश के तथा कथित तमाम विचारक पैदा हो जाते हैं। स्वतंत्रता के समय वंदे मातरम कहते कहते हजारों लोग बलिवेदी पर चढ़ गए, उसमें उसका विरोध नहीं हुआ, लेकिन स्वतंत्र भारत में वंदे मातरम का स्पष्ट विरोध शुरू हो गया। इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की कोई बात नहीं होगी। उसका कारण यह रहा कि स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रभक्ति की चर्चाएं आम थी, जनता भी उसके साथ थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जिन लोगों के हाथों में इस देश की बागडोर आई, वो वैचारिक दृष्टि से भारत की इस संस्कृति के साथ कहीं न कहीं उनका मेल नहीं, वो कहीं न कहीं विदेशी विचारधारा से प्रभावित थे। और इसी कारण से इस देश के सारे जितनी भी बौद्धिक संस्थाएं थी, उन बौद्धिक संस्थाओं में उन्होंने ऐसे लोगों को कब्जा दिया जो वैचारिक दृष्टि से भारत के पक्ष में नहीं थे, भारत की विचारधारा के पक्ष में नहीं थे, जो भारत की संस्कृति के पक्षधर नहीं थे। एक बात और जोड़ूंगा इसमें, 1806 में कर्नल कार्ड आया था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट होकर के हिंदुस्तान। इसके बाद उसने त्याग पत्र दिया और पूरे भारतवर्ष में उसने एक ही काम किया कि यहां के इतिहास को बदला, यहां के साहित्य में प्रदूषण किया, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, यहां के धार्मिक ग्रंथों में भी जोड़ तोड़ हुई। और इसके बाद आप जानते हैं कि 1832 में यहां पर लॉर्ड मैकाले ने एक अभियान चलाया है कि शिक्षा पद्धति को बदलने का। और यही नहीं बल्कि जितने भी उपनिवेश थे उन सब में अंग्रेजियत कैसे बढ़े, इस उद्देश्य से शिक्षा पद्धति को पूरी तरह बदला गया। तो वंदे मातरम की आज प्रासंगिकता ज्यादा है या इंकलाब की ज्यादा है, मतलब दोनों में से किस नारी की ज्यादा प्रासंगिकता? देखिए, जहां पर संघर्ष केवल होता है वहां टूटन होती है, जहां श्रद्धा होती है वहां जुड़ाव होता है। इसे इंकलाब की जरूरत नहीं है, इंकलाब की जरूरत नहीं है, श्रद्धा की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है, समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है।
ये जो शब्द आ रहे हैं ना, इनका मैं विरोध करता हूं कि ये आए कैसे। हम पढ़ते थे प्रतिभा गट कटिले के थे काट काट कालिका सुकिल कले उदेत काल को, आप क्यों नहीं है उसमें। इतना जो सांप्रदायिकता का जहर इस समय बोया गया लगातार, उसी का तो परिणाम है कि आज देश समझ गया है कि हमें कहां ले जाया जा रहा है। युवक पूरा जाग चुका है और ये सारे षड्यंत्र निश्चित रूप से असफल हो रहे हैं। आपको बता दें कि जब पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें वंदे मातरम नहीं गाया गया था, उसमें जनगणमन गाया गया था। और जनगणमन क्या है आप भी जानते हो, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। आप गलत तथ्य दे रहे हैं। आप पहला सम्मेलन में भी वंदे मातरम से ही शुरू हुआ नहीं हुआ था, तब तक आनंद मठ आया ही नहीं था। देखिए आदरणीय आनंद मठ बाद में आया है। आप कौन से सम्मेलन की बात कर रहे हैं, मैं सम्मेलन का बता दूंगा आपको। आप सम्मेलन बताइए कौन सा पहला सम्मेलन। देखिए ऐसा है, जो 1905 का अधिवेशन था उस अधिवेशन में ये जनगण मत अधिनायक जाया है गाया गया था जी। उसकी अध्यक्षता वायसराय ने की थी जी, जी। और उसी के सम्मान में ये गीत गाया गया। कौन से वायसराय ने की थी? अब ये इतना हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप हमको ऐसे में मत फंसाइए। मैं सीधे कह रहा हूँ, वायसराय की अध्यक्षता में जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, कांग्रेस का गठन वायसराय ने नहीं किया था, एओ ह्यूम ने किया मान्यवर। मुझे मालूम है इतिहास 1885 में किया, ये भी मालूम है 1885 में किया। एओ ह्यूम ने किया, अंग्रेज ने किया। और अंग्रेज ने इसलिए किया था वो गठन कि देश के अंदर क्रांति की लहर दौड़ रही थी, उस क्रांति की लहर को कमजोर करने के लिए एक ऐसा मंच बनाया जाए जहां लोग पहुंच करके अपनी बात कह सकें और ये संघर्ष टल जाए, इसलिए बनाया गया। तीर्थ दर्शन की श्रृंखला में आज रामेश्वरम की जाने वाली तीर्थयात्रा ट्रेन का गुना में भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा फीता काटकर इसकी शुरुआत की गई। वहीं महिला मोर्चा ने तीर्थयात्रा पर जा रही सभी महिलाओं का सम्मान किया। इस मौके पर व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए चाचौड़ा विधायक ममता मीना का पूर्ण योगदान रहा। इस मौके पर राधेश्याम पारिक ने फीता काटकर सभी यात्रियों को तीर्थ दर्शन के लिए रवाना किया। वहीं महिला दिवस के मौके पर महिला मोर्चा ने सभी को सम्मानित भी किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज युवराज क्लब में महिला एवं बाल विकास द्वारा आयोजित किया गया महिला सशक्तिकरण सम्मेलन। इस कार्यक्रम में कलेक्टर राजेश जैन के द्वारा बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए कई योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ उठाना चाहिए। वहीं कलेक्टर राजेश जैन ने यह भी कहा कि सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब महिलाओं को समानता देने के साथ साथ शिक्षित एवं आत्मनिर्भर भी बनाया जाए। कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं एवं बच्चियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं वरिष्ठ महिला नागरिकों को शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के उद्बोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया। वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। मौके पर कलेक्टर राजेश जैन के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बबलू चौहान एवं नीलम बिंदल मौजूद रहे। स्वावलंबन, पढ़े लिखे नौकरी करें, बहुत सी जगह आरक्षण है,
अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि इन सेवाओं में आरक्षण है, शिक्षा विभाग में 50% आरक्षण है, एससी की हायर लेवल की नौकरियां हो चाहे कोई भी नौकरी हो, सभी में आरक्षण की सुविधा है। तो पढ़ें, आगे बढ़े और नौकरियां करें सरकारी। उसके बाद जनप्रतिनिधि बनना है, महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाने, अपने अधिकारों को पहचाने, अपने कर्तव्यों को पहचाने। सबसे पहली आवश्यकता है शिक्षा। एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं अशिक्षित हैं। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है। पूर्व से परंपराएं रही हैं, पुरुष प्रधान समाज रहा है, कई तरह की सामाजिक विडंबनाएं हैं, लेकिन उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। 2011 के अगर हम आंकड़े देखेंगे तो गुना जिले में महिला शिक्षा का 51% था केवल। तो कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता है, अभी भी बड़ी संख्या में, अभी हम छोड़ेंगे तो 10% और वृद्धि हुई, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में कई महिलाएं अशिक्षित हैं। तो आवश्यकता है कि हम उनको शिक्षित बनाएं। और शिक्षा की और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। प्रयास करें, जो लोग थोड़े से भी सक्रिय हैं, चाहे वो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, अन्य सामाजिक संस्थानों से जुड़े हुई बहने हो, एनजीओज हो, उनसे अनुरोध है कि ऐसे लोगों को पहचानें। और जो बच्चियां हमारी स्कूल जा रही हैं, किसी कारण से छूट जाती हैं, दूसरी के बाद तीसरी में, पांचवी के बाद छठवीं में, आठवीं के बाद नवीं में, दसवीं के बाद ग्यारहवीं में और बारहवीं के बाद कॉलेज में, तो उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। साइकिल हो, ड्रेस हो, सभी तरह की सुविधाएं हैं। अगर हायर स्टडी के लिए जाती है तो उसके लिए भी लोन की सुविधा उपलब्ध है और उसकी गारंटी सरकार लेती है। तो सबसे अगर आत्मसम्मान और अपनी शक्ति पहचानने का भाव अगर आएगा तो वो शिक्षा से आएगा। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण टूल है। जहां एक और पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, वहीं संविदा कर्मी महिलाएं आज भी प्रदर्शन करती रहीं। और उन्हें तो सम्मानित करना तो दूर की बात, किसी ने उनकी बात पर ध्यान देना भी मुनासिब नहीं समझा। संविदा कर्मियों के प्रदर्शन का आज 19वां दिन है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बैठी संविदा महिला कर्मी अपने हाथों में खाली ताली लेकर बजाकर प्रदर्शन कर रही थी। यह सांकेतिक प्रदर्शन इस बात के लिए था कि उनके घरों में अब राशन भी पूरा नहीं पड़ता। अब देखना ये होगा कि 19 दिनों से संविदा कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद जिले में ही नहीं अपितु प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। आगे भाजपा सरकार इसमें क्या नया मोड़ लेकर आती है, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल इनका प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए चालू है। हमारी हड़ताल का 19वां दिन है और आज हमने अपना खाली थाली बजाकर रोष प्रकट किया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं का लोग स्वागत कर रहे हैं और उनको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन आज हम भारतीय महिलाएं, संविदा महिलाएं, स्वास्थ्य कर्मचारी महिलाएं सब सड़क पर बैठकर विरोध स्वरूप खाली थाली बजा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम लोगों की स्थिति ये हो गई है कि अब घर में हमारे यहाँ पूरा राशन भी नहीं है और खाली थाली हम लोग लेकर बैठे हैं, हमारा परिवार शोर। आज न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की गुना इकाई ने अनिश्चितकालीन के लिए अपनी हड़ताल शुरू कर दी। वहीं यह हड़ताल इनकी दो मांगों के लिए है। वहीं हड़ताली कर्मचारियों ने बताया कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो यह प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। इनकी दो मांगों में एक तो वेतन विसंगतियों को दूर करना, साथ ही संविदा ANM, RCH, MPW कर्मचारियों को नियमित करना भी है। वहीं महिला कर्मचारियों ने बताया कि कल यानी 9 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सद्बुद्धि के लिए हवन पूजन भी किया जाएगा। Yeah!
दिवस पर न्यू बहुद्देशी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला गुना अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर दो सूत्रीय मांग वेतन विसंगति एवं संविदा एनएम को नियमित करने के लिए पोस्ट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल प्रत्येक कर्मचारी द्वारा पोस्ट कार्ड लिखकर मांगों का शीघ्र निराकरण करने हेतु निवेदन किया गया है। संघ के जिला अध्यक्ष श्री मोहन सिंह जी रघुवंशी द्वारा बताया गया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। श्री रघुवंशी जी ने बताया है कि 9/3/2018 को माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय की सद्बुद्धि हेतु हवन की अजमन की है। बारहवीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि आखिर उसने फांसी क्यों लगाई। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल रोड पर रहने वाले एक बालक जिसका कि आज बारहवीं का पेपर था, उसने देर रात अपने ही घर में फांसी लगा ली। उसके पास से कोई सुसाइड नोट पुलिस को बरामद नहीं हुआ। पुलिस मान रही है कि उसने आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय में भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। आज बीती रात्रि में थाना कोतवाली क्षेत्र के नयापुरा मोहल्ले में एक 18 वर्ष की लड़की ने अपने घर में बल्ली से नायलॉन की रस्सी से फांसी लगा ली है। उस मृतक ने जो फांसी लगाई है उसका आज पेपर था, बारहवीं में पढ़ता था और रात्रि में एक उसका छोटा भाई पास में ही सो रहा था, उसने उस कमरे से उठ के दूसरे कमरे में जाके और फांसी लगाई है। सुबह जैसे सूचना मिली तत्काल कोतवाली उसको उतारने के बाद जो है यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। उसके गले में काफ़ी गहरे रस्सी के निशान बने हुए हैं। प्रथम दृष्टया उसने सुसाइड किया है ऐसा लग रहा है और किन कारणों से उसने फांसी लगाई है, क्या हालात थे, क्यों ऐसे हालात बने हैं, अभी उसकी विवेचना जारी है। जो भी जांच में आएगा उसके आधार पर कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं है उसके, हमने काफ़ी तलाश ली है उसके कपड़े कमरे में भी और उसके कपड़ों में जेबों में जो कपड़े शरीर पर पहने हुए था उन पर किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और प्रथम दृष्टया उसने आत्महत्या की है ऐसा लग रहा है और जांच करा रहे हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर पता नहीं कर रहे हैं। आरोन क्षेत्र में अचानक स्टेट बैंक की शाखा में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। आग लगने से लोग सकते में आ गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में अचानक दूसरी मंजिल पर पहले तो धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, इसके बाद आग की लपटें निकलने लगी जिसकी सूचना राहगीरों ने प्रबंधन को दी, जिसके बाद आग बुझाने के लिए दमकल बुलाई गई। काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है, साथ ही बैंक में कितना नुकसान हुआ इसकी भी कोई पुख्ता सूचना नहीं मिल पाई है। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश अग्रवंशी के साथ राकेश जैन की रिपोर्ट। शादी के एक दिन पहले युवक को लगी गोली, मामला संदिग्ध। आरोन थाना अंतर्गत हुसैनपुर निवासी पवन श्रीवास्तव को घर के अंदर पेट में गोली लगने से जिला अस्पताल परिजन लेकर आए। जिला अस्पताल से उसको भोपाल रेफर कर दिया गया है। अस्पताल की तरफ से जानकारी मिलने पर पुलिस हरकत में आई।
और युवक की तरफ से FIR के लिए R1 पुलिस भोपाल के लिए रवाना हुई। बता दें कि इस युवक की हाल ही में शादी होनी थी और शादी के ठीक पहले इस तरह की घटना होने से सभी सदके में आ गए हैं। अब तो ये जांच का विषय है कि आखिर ये घटना क्यों हुई। हालांकि घटना के बाद से ही अफवाहों का बाजार जरूर गर्म हो गया है। कोई से रंजिश वगैरह थी क्या पहले? भाई ये होगा पता नहीं। आरों से चंद्रे सकवंशी के साथ राकेश जैन की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण दिवस के मौके पर आज महिला कांग्रेस के सदस्यों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संकल्प सूत्र बांधा। महिला कांग्रेस का आरोप है कि जिस तरह से महापुरुषों की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है, खंडित किया जा रहा है, उस लिहाज से भविष्य में हो सकता है कि बापू की प्रतिमा को भी तोड़ दिया जाए। इसी तारतम्य और आक्रोश के साथ महिला कांग्रेस के सदस्यों ने बापू को संकल्प सूत्र बांधा और संकल्प लिया कि उनकी मूर्ति की रक्षा करेंगे। प्रथम मैं महिला कांग्रेस की तरफ से सबको बधाई देना चाहती हूँ महिला दिवस की। और आज हमने महिला कांग्रेस और प्रगतिशील महिला कांग्रेस, संघर्षशील महिला कांग्रेस की ओर से आज हमने अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को रक्षा सूत्र बांधा, क्योंकि आज हमारी राष्ट्रीय ताकतें जिस तरह से हमारे राष्ट्र विरोधी ताकतें जिस तरह से हमारे सम्मानीय नेताओं की मूर्तियों को जिस तरह से आघात पहुंचा रही है, आज कल ही आप देखिए कि केरल में भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्टैचू को उन्होंने आघात पहुंचाया है। तो हम उससे हमें बड़ा डर है कि आने वाले समय में इस तरह की जो हरकतें हो रही है हमारे देश के राष्ट्रपिता और दिवंगत नेताओं के साथ, तो आज हम सब महिलाओं ने एक ये संकल्प लिया है कि आज गुना शहर में भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू लगा है। तो हम सब लोगों ने जाके वहाँ संकल्प लिया और उन्होंने हम सब लोगों ने मिलकर उनको रक्षा सूत्र बांधा कि आने वाले समय में उनकी भी रक्षा की जाए। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।